मिनटों में बनने वाली इस पेड़ा की रेसिपी, जिसमें ना आपको गैस चलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसमें खोया ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आपके घर पे आसानी से मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बिस्किट से बना हुआ पेड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हार्डली 10 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे बनाने के लिए हमें चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट चाहिए जिसके अंदर क्रीम की लेयर हो, तो आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने बॉनबॉन बिस्किट के 3 पैकेट लिए हैं जिसके अंदर चॉकलेट क्रीम की इस तरह से लेयर होती है। इससे पेड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम इसे ग्राइंड करेंगे, तो इसके लिए इसे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लीजिए और इसके बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका एक स्मूथ पाउडर हमें बनाना है। तो इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिए क्योंकि बिस्किट काफ़ी मीठा होता है और इसके ऊपर चीनी का इस तरह से ग्रेन्यूल भी स्टिक रहता है। तो अब इसका हम स्मूथ पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे पाउडर बनाने के बाद इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके साथ ही इसमें अब बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि इस तरह से है। 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करना है हमें, इससे पेड़ा थोड़ा सा रिच बनेगा। 1 पिंच नमक ऐड कीजिए मिठास को बैलेंस करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा आपको पेड़ा। अब फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। मिक्सचर को अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए यहाँ पे 2 छोटी चम्मच हमें घी ऐड करना है। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस स्टेज पे आप नमक को स्किप कर दीजिए क्योंकि बटर में थोड़ा सा नमक एडेड होता है पहले से। अब इसे रब करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, जिस तरह से हम आटे में मोयन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे रब करते हुए मिक्स करना है। ये देखिए, अगर बीच में थोड़ा सा बिस्किट रह गया है तो इस स्टेज पे अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से घी मिक्स हो चुका है मिक्सचर में, और जब आप इसकी गुठली बनाएंगे तो ईजिली वो बन जाएगा। ये देखिए, जिस तरह से हम मोयन को टेस्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब मिक्सचर को बाइंड करने के लिए हमें दूध ऐड करना है, तो लगभग 1/4 कप दूध यहाँ पे जाएगा इसमें। एक साथ दूध मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए, बिल्कुल आधे मिनट में ये तैयार हो जाता है और थोड़ा सा रब करते हुए मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सचर बन के तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है पेड़ों को, और हमारा जो डो है वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा और पेड़ा बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और यहाँ पे डो हमारा बिल्कुल तैयार है पेड़ा बनाने के लिए। ये देखिए, तो अब हम पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए घी से, बस एक ही बार आपको ग्रीस करना है, उसके बाद आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हथेलियों पर, क्योंकि मिक्सचर में काफ़ी घी है, अच्छी तरह से वो घोल हो जाता है। ये देखिए, पेड़ा बनाने के लिए मीडियम साइज़ का पोर्शन अपने हाथों पे लीजिए इस तरह से और इसे अच्छी तरह से घोल कर लेंगे। बहुत आसानी से स्मूथ टेक्सचर में घोल हो जाता है ये, क्योंकि घी हमने ऐड किया है इसमें और हथेलियों पे भी हमने घी को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, तो बहुत ईजिली ये घोल हो जाएगा। और इसका टेक्स्चर देखिए कितना स्मूथ है और कितना ज़्यादा ग्लेज है इसके अंदर। ये देखिए, अब हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। अब इसके ऊपर या तो आप बादाम लगा सकते हैं या फिर काजू, यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है, तो बिल्कुल सेंटर में डाल के इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे, तो बिल्कुल पेड़े की शेप में आ जाएगा इस तरह से। और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। और इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेंगे। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब एक पोर्शन ले लीजिए हाथों पे और उसे अच्छी तरह से गोल कर लीजिए और बस हल्के हाथों से इसे दबाएंगे। इस तरह से, और इसे गार्निश कर लीजिए। बिल्कुल पेड़े की शेप में ये आ जाता है, ये देखिए। तो इसी तरह से बाकी सारे भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिस्किट पेड़ा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, लेकिन इसे टेस्ट करने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसमें हमने बिस्किट को ऐड किया है। इलायची का फ्लेवर, मिल्क पाउडर का फ्लेवर, सारे फ्लेवर इतने स्ट्रांग और अच्छे लगते हैं इसमें कि आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
और 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।